क्या हो रहा है? थोड़ी थोड़ी देर में लगता है अंधेरा ही हो जाएगा। मीठी, हम पावर सप्लाई ला सकते हैं यहाँ का। कार बैटरीज, हमें कुछ कार बैटरीज और इन्वर्टर की जरूरत है। मेरे साथ चल, आप सब हमारे साथ चलिए प्लीज। तारा, मैं स्वीटी मीठी को देख कर आती हूँ। अपने लिए, हम सब के लिए इनसे लड़ना होगा और जीतना भी होगा। ट्वीट कर रही हूँ वीर, तुम्हें सही सलामत वापस आना ही होगा। जिंदा नहीं बचेगा तू। अदृश्य होकर भी चकमा नहीं दे पाया, इसलिए अंगूठी के लायक तो है ही नहीं तू। मायावी अंगूठी के असली हकदार हम असुर हैं। ला, दे मुझे। चला गया तू, भाग गया क्या? ए भगोड़े, समय भी आ गया।
हर चीज का इलाज है पर ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं। तुम इंसानों का खाना नहीं खा सकते पर हीरो की लात तो खा सकते हो। इतनी शक्ति कहां से आ गई इसमें? भगवान जी प्लीज वीर को सेफ रखना, प्लीज उसे कुछ ना हो। ओके गाइस, सो शहर से बाहर जाने के सिर्फ चार एग्जिट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो सब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अलर्ट कर दो। ओके गो। भैया कहाँ होंगे? बेटी भैया जहाँ पे भी होंगे ना बिल्कुल सेफ होंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इनका भाई मौत से लड़ रहा है। वीर तुम्हें वापस आना ही होगा अपनी बहनों के लिए। You have to come back. You have to come back. पूर्णिमा की रात तो ये बिल्कुल दुर्बल हो गया था, आज अचानक इतनी शक्ति कहां से आ गई इसमें? अमावस, महाशिवरात्रि की अमावस। दंश स्मरण रहे, यदि इस पूर्णिमा की रात उस मायावी अंगूठी की शक्तियों का प्रभाव सबसे कम रहा तो महाशिवरात्रि की रात अर्थात आगामी अमावस्या की रात को वो शक्तियां अपने चरम पर रहेंगी। इसका अर्थ यह है कि उस दिन उस अंगूठी धारक का बल सहस्त्र गुना अधिक हो जाएगा और हमें आशंका यह है कि उस समय पूरी असुर सेना भी कम पड़ जाएगी और तुम्हारे लिए भी उसे परास्त करना असंभव सिद्ध होगा। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? सच कहा है कि क्रोध और लोभ दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। अंगूठी प्राप्त करने और इस हीरो को मारने में इतना मग्न हो गया कि भूल गया कि आज अमावस्या की रात है, महाशिवरात्रि है, अंगूठी की शक्तियां आज चरम पर होंगी। मुझे किसी भी हाल में इस हीरो को रोकना होगा। क्या सोच रहे हो अंकल? अपना सामान बांध लो, तुम्हारा वीजा लग चुका है, बस थप्पा लगाना बाकी है। अब सबसे पहले तेरी बोलती बंद करूंगा मैं। ये मूर्ख अपने शहर को शहीद करके ही मानेगा। अब पछताएगा तू। भूल से भी ऐसी भूल मत करना, इससे पहले कि तुम लीवर कीजिए मैं तेरी बॉडी से तेरा हाथ अलग कर दूंगा। तीस सेकंड बचे हैं मूर्ख तेरा ये शहर बर्बाद होने में। संभव है, इसे यान से बाहर ले जाना होगा। अब यही एक रास्ता है। मेरे लिए 30 सेकंड ही काफी हैं।
वो लोग वहीं कहीं गिरे होंगे। मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा। तुम लोग यहीं रहना, कहीं मत जाना, ओके? मैं आ रही हूँ वापस। जस्ट बी हियर, बाहर मत जाना। अरे भाई लोग, अरे चलो ना यहाँ से घर पे, क्या सेफ नहीं है, जाओ जल्दी। अरे हीरो चलना। अरे हीरो, एक हीरो काफी है, तुम नहीं चाहिए अभी। चलो पीछे, चलो चलो पीछे। तंबे तंबे, लगता है हीरो एलियन के साथ स्पेसशिप से कूद चुका है। क्या करे साहब? मुझे पता है कहाँ गिरा होगा। तू गाड़ी निकाल, चल 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 चल, चल। जितनी ताकत है लगा दे दंश, जिसे बुलाना है बुला ले, बाद में मत कहना कि हीरो ने मौका नहीं दिया। कहाँ है वीर? यही तो गिरा था। वीर, वीर, क्या बात है बच्ची? एलियन का फलूदा बना दे, मैं रबड़ी लेकर आता हूं। जो भी मेरे शहर पर बुरी नजर डालेगा, ये साइन उसके लिए बुरा सपना होगा। धंश, चलो गाइस, चल चल चल, सामने आ जाओ, पोजीशन लॉक दे अपनी, कवर करो खुद को। मेरे ऑर्डर के बगैर कोई फायर नहीं करेगा। भाई ये क्या चीज है? कितना भयानक एलियन है ये। होल्ड योर पोजीशन गाइस। गाइस, गेट रेडी फॉर द फायर। साहेब, गोली का तो असर ही नहीं हो रहा इस पे। अरे हम लोग तो मच्छर के काटने में भी इससे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तांबे, बहुत डेंजरस एलियन है वो। अभी इस सिचुएशन में हमें सिर्फ हीरो बचा सकता है। अपनी इन हरकतों से किसी और को डराना, धंश से तो देवता भी थर थर कांपते हैं। फिर गायब हो गया, डरपोक कायर। हिम्मत है तो सामने आ। ये सब बोलकर तू कहीं खुद को दिलासा तो नहीं दे रहा है दंश? मुझे किसी भी तरह उस महायान तक पहुंचकर उस मिसाइल को डीएक्टिवेट करना होगा, नहीं तो शहर पर खतरा बना रहेगा। हीरो, बहुत हो गया लुका छिपी का खेल, ये मार धाड़। तुझे क्या लगा तू जीत गया? मैं तो तेरा ध्यान भटकाने के लिए तुझे यहां लेकर आया था मूर्ख, ताकि महायान की मेरी वो मिसाइल मैं यहीं से सक्रिय कर सकूं। सुन रहा है तू? और अपनी मिसाइल को सक्रिय करने के लिए मुझे यान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से ये देख, सिर्फ एक बटन दबाने से तेरे पूरे महानगर के परखच्चे उड़ जाएंगे। आता है सामने या दबाऊं बटन? अब मेरी बात ध्यान से सुन, एक आखिरी मौका। मैं दंश तुझसे वादा करता हूं, अगर तूने मुझे मायावी अंगूठी लौटा दी तो मैं तेरे महानगर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तेरे चाहने वाले इंसान और इंसानियत दोनों बच जाएंगे। खत्म होगी तो तेरी शख्सियत,
तेरा वजूद, तेरे हीरो होने का वजूद, जिसकी वजह से तू बार बार गायब हो जाता है। बोल, नहीं तो दबाऊं बटन। लालच नहीं है मुझे इस अंगूठी का दंश, है तो बस फिकर, अगर ये अंगूठी गलत हाथों में लग गई तो तू इसका क्या कर सकता है। और वैसे भी मैं तेरी बात क्यों मानूं? इसके अतिरिक्त कोई विकल्प है तेरे पास? वो तो दिल बड़ा है मेरा, जो तुझे एक और मौका दे दिया। मूर्ख, अब भी वक्त है अंगूठी लौटा दे। हम असुर यहाँ से चले जाएंगे, कोई रक्तपात नहीं होगा, तेरा महानगर, तेरे लोग सब बच जाएंगे। क्या सोच रहा है मूर्ख? हीरो, तू ऐसे नहीं मारेगा। अब ये बटन दबाने से पहले मैं तीन गिनूंगा। तीन। इसे तो गेम ही चेंज कर लिया। असुरों के रिंग है, उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब समझ रहा हूँ। जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे, एक असली हीरो। दो। नहीं, वो हीरो ही किस बात का जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट ना कर सके। हाँ, इस रिंग ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी एग्जिस्टेंस इस रिंग से है, पर उसकी कीमत लाखों लोगों की जान से ज्यादा नहीं है। कई बार एक बड़ी लड़ाई जीतने के लिए एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये रिंग दंश को देने का मतलब अच्छाई की हार नहीं बल्कि इंसानियत की जीत है। मुझे माफ कर देना रिंग, लेकिन अगर आज पापा यहां होते तो शायद वो भी यही कहते कि इंसान रिंग से नहीं, अपने फैसले से हीरो बनता है। रुक जाओ दंश। ये रिंग चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें ये रिंग। अबे, उस हीरो ने एलियन की तरफ कुछ फेंका, कुछ देखा तूने? पता नहीं साहब, यहां से तो नॉर्मल इंसान ही दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख पा रहा हूं मैं। ए, लेकिन ये हीरो है कौन? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.